हेलो, मेरा नाम है ओजस और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिटरमाइन द हैश डायग्राम ऑफ रिलेशन के बारे में। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है और हैश डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। डिटरमाइन द हैश डायग्राम ऑफ द रिलेशन ऑन ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 हुज मैट्रिक्स इज शोन। ये उसका मैट्रिक्स है, ओके। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और वो कौन से हैं। तो देखिए, ए के अंदर एलिमेंट्स 5 है, ठीक है। तो हमें 5 एलिमेंट्स लिखने हैं पहले। तो एक, फिर तो मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ, एक, ये दो, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ, ओके। अब क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स से इन टेबल को एक लाइन से जोड़ना है। मतलब अब सपोज इस मैट्रिक्स को अगर हम डिकोड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ठीक है। फिर यहाँ क्या आएगा, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 या 3, 3, 3, 4, 3, 5, यहाँ पे 4, 4 और 4, 5 और यहाँ पे 5, 5, ओके। तो उसी तरह से सपोज अब 1, 1 है तो हमें 1 से लेके तो 1 तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब ऐसे। इसको हम रिंग या सर्कल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके तो 1, 1 तक ही है। तो यहाँ पे दो मिनट, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5, ओके। हम बस इन्हें इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। अब 1, 1 है तो 1 से लेके 1, 1 तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक ये सर्कल बनता है, ठीक है। फिर 1 से लेके 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक, फिर 1 से लेके 3 तक, फिर 1 से लेके 4 तक और फिर 1 से लेके 5 तक, ओके। फिर अब आगे बढ़ेंगे, अब दूसरे रो में जाएंगे, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4 और 2, 5, 2, 2, 2, 3, 2, 4 और 2, 5, ओके। तो हम उसे ड्रॉ करेंगे, तो 2 से लेके तो 2 तक, 2, 2, फिर 2, 3, 2 से लेके 3 तक, 2, 3, 2, 4, 2 से लेके 4 तक, फिर 2, 5, 2 से लेके तो 5 तक, ओके, ठीक है। ये 2 से लेके 5 तक, ओके। फिर आगे अब 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 3, 3, 4 और 3, 5, ओके। तो 3 से लेके 3 तक, 3 से लेके 4 तक और 3 से लेके 5 तक, ओके। अब आगे 4, 4 और 4, 5, 4, 4 और 4, 5, ओके। फिर 4 से लेके 4 तक, 4, 4 और 4, 5, 4 से लेके 5 तक, ठीक है। अब फिर 5, 5, 5 से लेके 5 तक, ओके। तो ये यहाँ पे हो गया। अब आगे अब हमें क्या करना है कि जितने भी साइकल्स हैं, साइकल्स मतलब ये साइकिल जो मैंने बोला था ना, रिंग या राउंड या साइकिल भी बोलते हैं, तो जितने भी साइकिल्स हैं उन्हें रिमूव कर देना है और बाकी वैसे का वैसा लिखना है, ठीक है। तो हम वैसे लिखते हैं, तो बाकी सब वैसे का वैसा लिखना है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहां से देख के यहां पे लिखने से अच्छा आप रेफर करो यहां से देख के यहां पे लिखना, ओके। क्योंकि अगर आप यहां से देख के यहां पे लिखोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी लाइन मिस हो सकती है आपकी, ठीक है। तो फिर 1, 1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक राउंड बनता है और राउंड हमें सब राउंड्स निकाल के हमें लिखना है, तो 1, 1 नहीं लिखेंगे। 1, 2 लिखेंगे, 1 से लेके 2 तक, 1, 3, 1, 4 और 1, 5, ओके। फिर 2, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक राउंड बनता है। फिर 2 से लेके 3, 4, 5, 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 4 तक और 2 से लेके 5 तक, ओके।
फिर 3-3 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो राउंड बनता है, फिर 3-4 और 3-5, 3 से लेके 4 तक और 3 से लेके 5 तक, ओके। फिर 4-4 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 4-4 राउंड बनता है, फिर 4-5, 4-5, 4 से लेके 5 तक, और जो आखिरी का 5-5 होता है वो भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो भी एक राउंड बनता है, ओके। तो बेसिकली सारे राउंड निकाल के हमने लिख दिया है, और इसे हम कहेंगे, मतलब इसे ऊपर लिखेंगे रिमूव साइकिल, क्योंकि ये सब साइकिल, साइकिल्स रिमूव करने के बाद हमने ये लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो भी ट्रांजिशंस है वो रिमूव करके लिखेंगे और वो हमारा हैश डायग्राम होगा। तो अब लिखेंगे हम रिमूव ट्रांजिशंस, ठीक है। ये हम वैसे आपको ये रफ में लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे मतलब इससे आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे यहाँ पे देख के। अब जो भी हम चेंजेस करेंगे हम इसमें करेंगे, और जो भी बचे हुए चीजें हैं वो हम उसको हम इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे, ओके। तो अब ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन जैसे कि आपको आपको ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी पता होगी, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। वैसे मैंने रिलेशन एंड डायग्राफ के पार्ट नंबर 2 में ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होता है मैंने बताया था, बट फिर भी एक बार फिर से बताता हूँ। ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है, ओके। तो अब इसमें जो भी ट्रांजिशंस है वो हमें रिमूव करने हैं, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले हम वन को पकड़ेंगे, अब वन, वन से लेके 3 तक और 3 से लेके 5 तक, ओके, ये जा रहा है और 1 से लेके 5 तक भी जा रहा है, ठीक है। तो अगर 1 से लेके 3 तक और 3 से लेके 5 तक जा रहा है तो 1 से लेके 5 तक जाने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इसीलिए 1 से लेके 5 तक का जो एरो है वो हम कट कर देंगे, तो 1-5 यहाँ पे कट कर देंगे हम लोग, 1-5 कट कर दिया, ठीक है, लाइन भी कट कर देते हैं। फिर आगे, अब 1 से लेके 3 तक, 3 से लेके 4 तक है, ठीक है, और 1 से लेके 4 तक भी है। तो अगर 1 से लेके 3 तक है और 3 से लेके 4 तक है तो 1 से लेके 4 तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन, ओके। तो इसीलिए 1 से लेके 4 तक जो एरो है वो हम कट कर देंगे, तो 1 से लेके 4 तक कट हो गया, ठीक है। अब आगे, अब 3 से कोई और एरो नहीं निकल रहा है, इसलिए हम 1 से दूसरा एलिमेंट पकड़ते हैं, 1 से फिर 1 से 2 पकड़ते हैं। अब 1 से 2 और 2 से 3, ओके, तो अगर 1 से 2 और 2 से 3 जा रहा है तो 1 से 3 भी यहां पे है। तो अगर 1 से 2 और 2 से 3 जा रहा है तो 1 से 3 जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम 1 से 3 वाला एरो भी कट कर देंगे। तो हम 1 से 3 यहां पे एरो कट, 1 से 3 वो कट, ये यहां पे भी कट कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब आगे, अब 1 से 2 और 2 से 5 जा रहा है, ठीक है, तो अगर 1 से 2 और 2 से 5 जा रहा है तो 1 से 5 जाने की नहीं जरूरत नहीं है और हमने वो एरो भी कट कर दिया, ओके, ठीक है। अब आगे, अब 3 हो गया, 2 हो गया, अब 4, ठीक है, अब 1 से 4 और 4 से 5, तो 1 से 5, ठीक है, वो कट कर दिया हमने एरो। फिर अगर अब 1 से 4 और 4 से कोई एरो नहीं निकल रहा है, ठीक है, 4 गया, फिर 2, 3, अब 5, 5 से भी कोई एरो नहीं निकल रहा है, फिर अब 1 छोड़ देते हैं, अब 2 पकड़ेंगे हम लोग, तो 2 से 3 और 3 से 4 जा रहा है और 2 से 4 भी जा रहा है, तो अगर 3 से सॉरी अब तो अगर 2 से 3 जा रहा है और 3 से 4 जा रहा है तो 2 से 4 जाने की कोई जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन, तो इसलिए 2 से 4 वाला एरो हम कट कर देंगे, यहां से 2 से 4 वाला एरो कट हो जाएगा, ठीक है। फिर अब 2 से 3 और 3 से 5 जा रहा है और 2 से 5 भी जा रहा है, तो अगर 2 से 3 और 3 से 5 जा रहा है तो 2 से 5 जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो 2 से 5 वाला एरो भी हम कट कर देंगे, 2 से 5 कट,
ठीक है, फिर आगे अब थ्री पकड़ेंगे हम लोग, थ्री से फोर जा रहा है और फोर से फाइव जा रहा है और थ्री से फाइव भी जा रहा है, तो अगर थ्री से फोर और फोर से फाइव जा रहा है तो थ्री से फाइव जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए थ्री फाइव भी कट कर देंगे हम लोग, थ्री फाइव कट। ओके, आई होप आप समझ रहे हो। फिर आगे थ्री से फोर, फोर से फाइव, फोर से और कोई एरो नहीं निकल रहा है, अब फोर पकड़ेंगे, अब फोर से फाइव और फाइव से भी कोई एरो नहीं निकल रहा है बस, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब सेकेंड एलिमेंट से कोई एरो नहीं निकल रहा है या लास्ट सेकेंड एलिमेंट है, तो हमारा हमें वहां पे स्टॉप करना है और जो जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे बचे हुए हैं उनका डायग्राम बना देना है, उसका डायग्राम बना देना है, ठीक है। तो अब इन चारों एलिमेंट्स का हम डायग्राम बनाएंगे, तो वन टू थ्री फोर और फाइव, ओके ठीक है। अब वन से लेके टू तक, फिर टू थ्री, टू से लेके थ्री तक, फिर क्या है थ्री फोर, थ्री से लेके फोर तक और फोर फाइव, फोर से लेके फाइव तक। ओके, ये एरो भी दे सकते हैं हम लोग, आई मीन एरो देना चाहिए, ठीक है एरो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा हैज डायग्राम है। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।